ভারতের 75তম স্বাধীনতা দিবস দিনটি আজাদী কি অমৃত হিসেবে পালনের ডাক দিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর এই উপলক্ষে ইন্দো তিব্বতান বর্ডার পুলিশের নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার একটি সাইকেল র্যালি শুরু করেছে গত 15ই আগস্ট ইটানগর থেকে। রবিবার দুপুরে ওই র্যালি শালবাড়ি মোড়ের SSB ক্যাম্পে পৌঁছায়। SSB পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় ITPP-র জওয়ানদের। পরে ক্যাম্পে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। র্যালির মাধ্যমে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, স্বচ্ছ ভারত, করোনা টিকাকরণ সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান ITPP-এর DIG। সেই সাথে সাইকেলিংয়ের মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার বার্তাও দেওয়া হচ্ছে। SSB ক্যাম্প রবিবার রাত কাটিয়ে সোমবার শিলিগুড়িতে পৌঁছাবে তারা। জানা গেছে সেখানে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ারের হাতে ব্যাটন তুলে দেবেন 21 জওয়ান। এরপর 2রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মজয়ন্তী র্যালি শেষ হবে নয়াদিল্লিতে। উল্লেখ্য যে আজাদী কি অমৃত উপলক্ষে মাল 46 ব্যাটালিয়নের SSB-এর জওয়ানরাও সাইকেলে র্যালি করেছিলেন। स्टे करेंगे ये हम लगभग 85 किलोमीटर चल के आए हैं, तो अब इसके बाद जो है यहाँ स्टे किया जाएगा। कल सुबह जो है हम जो है सिलीगुड़ी के लिए रैली कहाँ से शुरुआत है? ईटानगर। कब शुरुआत है? ये 15 अगस्त। ये रैली करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जैसा सबसे पहला तो ये है कि साइकिलिंग जो है एक साहसिक खेल है, तो इस जो है एक्सपीडिशन को करके जो है हमारे बल के जो सदस्य हैं उनमें साहसिक खेलों का जो है और साहस की भावना का विकास हो रहा है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है फिजिकल फिटनेस। देखिए साइकिलिंग जो है एक जो भी साइकिलिंग करता है वो जो है उसको जो फिटनेस है वो बहुत इम्प्रूव होती है साइकिलिंग से। तीसरा जो मैं जो इसका उद्देश्य है वो है टीम भावना। इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन में टीम भावना का बहुत विकास हुआ है। साइकिलिस्ट जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर एक भी साइकिलिस्ट की साइकिल खराब हो जाए या उसकी किसी दिक्कत हो जाती है तो बाकी साइकिलिस्ट के सहयोग से जो है वो दोबारा से जो है एक्सपीडिशन को जाएंगे। तो इससे एक टीम भावना का कोऑर्डिनेशन का भी जो है कोऑर्डिनेशन का विकास होता है। और चौथा जो इसका उद्देश्य है कि जो इस इलाके के नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको साइकिलिंग खेल के बारे में जो है उनको प्रेरणा देना। जब भी हम लोगों का एक्सपीडिशन किसी इलाके से जाता है तो उस इलाके के बच्चे जो हैं और नौजवान जो हैं वो जो है उनको बड़ी खुशी होती है और उनके फिर जो है उनके मन में भी ख्याल आता है कि वो भी साइकिल चलाए। तो इस तरह से जो है हम इस रैली से जो है साइकिलिंग जो है एक स्पोर्ट्स कल्चर का जो है स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होता है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि साइकिलिंग से जिस इलाके से हम जाते हैं उस इलाके के लोगों को हम जो है सफाई के बारे में बताते हैं कि अपने इलाके को साफ रखिए, सफाई साफ रखने के क्या फ़ायदे हैं। और आजकल जो है ये कोरोना महामारी का समय है तो इस समय क्या क्या हम लोगों को सावधानियां, प्रिकॉशंस
लेनी चाहिए ताकि इस महामारी से हम बच सकें, इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए। और उसके अलावा हम नौजवानों को जैसे सुरक्षा बलों में, ITBP में अगर उनको आना है, अगर उनको भर्ती होना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में समझाते हैं और उनको मोटिवेट भी किया जाता है कि आप आइए, आप जो है इस देश के अग्रणी बल को ज्वाइन कीजिए और इसमें आपका भविष्य बहुत अच्छा है और आपको देश सेवा करने का मौका मिलेगा। और वो जो है हमें देख कर जो है प्रेरित होते हैं और मुझे उम्मीद है कि लोगों के जो है सुरक्षा बलों के प्रति जो है बहुत अच्छी भावना है विकास होगा पनपेगी, ये इसके उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य मैं फिर कहता हूँ कि साइकिलिंग से जो है फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और में ऐसा नहीं है, ITBP हिमालय के हम लोगों का जो है हाई की छूट में हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, लेकिन उसके अलावा हम प्लेन इलाके में भी रहते हैं, जैसे कि आपके एंटी नेक्सल ऑपरेशन के लिए भी ITBP की काफ़ी बटालियनें जो हैं डिप्लॉयड हैं और काम कर रही हैं, तो प्लेन एरिया में भी हम रहते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम फोर्स है वो हमारी बॉर्डर एरिया जो है क्योंकि मैं जो उच्च तुल्यता या हाई एल्टीट्यूड वाला है उस इलाके में है, लेकिन प्लेन एरिया में भी हमारी काफ़ी बटालियनें हैं, संस्थान हैं प्लेन एरिया में।